जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का ही, क्योंकि अवध में सेमेस्टर नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल अब तक पूछे गए हैं उन सवालों को हम यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल आते हैं। तो उन सभी टॉपिक को समझेंगे। एक कंप्लीट आपका ऑल इन वन मैराथन ये हो जाएगा। आंसर्स हम नहीं देखेंगे, मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। यही आपका कंप्लीट सिलेबस है, यही 5-6 सालों में से इसी के अंदर से सवाल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली रिपीटेड सवाल इज्म, जिसे हम वाद कहते हैं। अब इसमें आपके चार हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। इसमें जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो क्या सबके सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चार वाद हैं दोस्तों, इन चार वादों से कम दो वाद आपके सवाल में आएंगे, कंफर्म आएंगे। अब कौन सा आएगा ये मुझे नहीं पता, ये यूनिवर्सिटी के पेपर सेट करने वालों को पता है। सवाल कैसे पूछ देगा, इन चारों वादों में से इसकी अर्थ, सिद्धांत, महत्व, उद्देश्य, गुण, दोष और शिक्षा पे प्रभाव, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। सवाल आप पूछ देगा कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थ, अवधारणा, शिक्षा में इसका प्रभाव, उद्देश्य और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सिमिलरली प्राकृतिकवाद क्या होता है, प्रयोजनवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है। चलिए इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, ठीक है। ये चार इज्म हैं जिसकी मीनिंग, डेफिनेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ठीक है। इस तरीके से तो ये चार में से कोई दो आपको कंफर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हाँ ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको 1A समझ लीजिए। ए आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वीडियो लिंक ए करके उसमें एक लिंक मिलेगा, आपको इसके सारे आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इसको हम बी कर देते हैं। ये 5th यूनिट है, कंफर्म इससे सवाल पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, करिकुलम से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, उसके निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर, पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता और पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस तरीके से सवाल आपसे पूछता है। तो पाठ्यक्रम, अर्थ, परिभाषा और पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक भूमिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये दोस्तों कि पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत, और एक पाठ्यक्रम के प्रकार भी होता है जिसमें लचीलेपन का सिद्धांत, ये तो पाठ्यक्रम स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर, इस तरीके के कोर करिकुलम, इस तरीके कुछ टाइप्स ऑफ करिकुलम होते हैं। तो ये बी होगा, डिस्क्रिप्शन में आएंगे आपको एक वीडियो लिंक बी करके मिलेगा, आप वहाँ देखिएगा, इन सारे सवालों के आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक सेकेंड, हाँ मैं आपको सिस्टमेटिक कर दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ से आपका सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब सेक्शन सी में आ जाइए। सी मतलब टाइप सी कर लीजिए, टाइप सी चार्जर नहीं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस का टाइप सी कर लेते हैं। शिक्षा एवं दर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं, शिक्षा और दर्शन की अवधारणा। कभी कभी इस तरीके से पूछ देगा कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी व्याख्या करिए। शिक्षा की आवश्यकता क्या है, शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है, हाँ ये बात, ये विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या मोस्टली 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू में व्याख्या करिए। शिक्षा और दर्शन की अवधारणा, शिक्षा और दर्शन में संबंध, इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपका सवाल आने ही वाला है। इसका भी आंसर दोस्तों सी, सेक्शन सी मतलब सी टाइप करके लिखा रहेगा, वहाँ पे वीडियो में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सिमिलरली शिक्षा एक अलग टॉपिक है, यूनिट 1 है ये, यूनिट 1 से एक सवाल जरूर पूछेगा। शिक्षा की अर्थ, परिभाषा, प्राकृतिक जीवन में शिक्षा का स्थान और शिक्षा तथा एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क, शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर होता है, शिक्षा में मानवीय मूल्यों के विकास में समुदाय की भूमिका, कि शिक्षा में मानवीय मूल्यों के विकास, जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं उनको डेवलप करने के लिए सोसाइटी का क्या रोल होता है, इस तरीके के सवाल। इंग्लिश मीडियम, एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके के सवाल आपसे पूछते हैं। तो बिना किसी डाउट के इसका भी ये सेक्शन डी, हाँ डी करके मैं एक वीडियो लिंक डालूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, उसका पूरा आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए दो और टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, शिक्षा के कुछ दार्शनिक अवधारणा, मतलब 3 जो मुख्य प्रकार के आपके शैक्षिक दार्शनिक रहे हैं, तो एक पूछता है कि इनके शैक्षिक उद्देश्यों या शैक्षिक अवधारणाओं की व्याख्या करिए। महात्मा गांधी, श्री अरविंद घोष और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा, आपका एग्जाम में आना ही है। इन तीनों में से किसी एक की शैक्षिक अवधारणा पूछेगा। महात्मा गांधी में कभी कभी बेसिक शिक्षा करके पूछ देता है, या फिर इनकी क्या शिक्षक विधियाँ रही हैं, इनके अनुसार शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा को कितना महत्व इन्होंने दिया, शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा। सिमिलरली शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद जी का योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का योगदान और शांति निकेतन, इस तरीके से सवाल पूछता है। तो ये भी आपका कन्फर्म है, इन तीनों में से एक सवाल आपको आना है, ठीक है। कंफर्म आएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा, वीडियो लिंक ई करके दे दूंगा। आप उसमें तीनों लोगों के बारे में व्याख्या की गई है। एक और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी पूछता है, हालांकि वो भी पूछता है, मैं उसको भी वहाँ पे ऐड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, तीन दर्शन है शिक्षा, शैक्षिक दर्शन, मुस्लिम वेदांत और बौद्ध, ठीक है, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा या बौद्धकालीन शिक्षा। इन तीन कालीन शिक्षाओं में से कम दो सवाल आपको लॉन्ग में सेक्शन सी में डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे पूछ लेगा, तीनों की एक ही बात है दोस्तों, ये तीनों की एक ही बात है। जैसे बौद्ध दर्शन में ईश्वर के प्रति आत्मा के विषय में क्या कहा गया है, देखिए इसमें आपको ये पढ़ना है कि बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा और वैदिक कालीन, इन तीन कालीन शिक्षाओं की क्या अवधारणा थी, वर्तमान में शिक्षा में इसका क्या प्रासंगिकता है, कि कितना वर्तमान शिक्षा में ये रिलीवेंस है, ठीक है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, और कुछ शब्द हैं जैसे कि मान लीजिए प्रबज्जा संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, इस तरीके। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसी के अंदर का ये टॉपिक है, उन्हीं की ये विशेषताएं हैं। जैसे बिस्मिल्लाह रस्म क्या होता है, मख्तब मदरसा क्या होता है, तो ये उसी के हिस्सा है। तो जब आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आपको मिलेगा। तो ये तीन दोस्तों, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन और वैदिक शिक्षा, इन तीन शिक्षाओं में से कम एक दो सवाल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो मैं इसीलिए सीक्वेंस वाइज कर देता हूँ और इन सारी को आपको पढ़ना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। आप कहोगे कि सर आप केवल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हो, आप पढ़ा नहीं रहे हो। चलिए अब कुछ और सवाल हैं, जैसे सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय एकाकीकरण के बारे में, प्रजातांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, मानव मूल्यों का वर्णन, शैक्षिक तंत्र के आधार पर इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, समाजीकरण से सवाल आपसे पूछा जाता है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, समाज से आप क्या समझते हैं, समाजीकरण की विशेषताएं क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के द्वारा सामाजिक प्रक्रिया, आधुनिकीकरण, शिक्षा में आधुनिकीकरण के शीर्षक, और वैसे ही शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, शिक्षा और समाजशास्त्र की क्या अवधारणा है, अर्थ है। ओटावे के अनुसार शिक्षा समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की परिभाषा। तो शिक्षा और समाज, ये जो आपको यहाँ पर बताया गया है ना, ये यहाँ पर जो आपको PDF यहाँ पर दिया जा रहा है, वो अब तक 6-7 सालों में जितने भी सवाल जिस टॉपिक से पूछे गए ना, उसका ये सारांश है। हालांकि कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया। आप सिंपली क्या करेंगे, शिक्षा और समाजशास्त्र पढ़ेंगे, एक वीडियो में मैंने बताया है, जिसको हम शैक्षिक परिप्रेक्ष्य। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आपका ये जो नॉलेज एंड करिकुलम है वो अलग विश्वविद्यालय में दो सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, एक सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दोनों एक में, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर में इसी तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि संस्कृति क्या होती है और संस्कृति की परिभाषा, भारतीय संस्कृति को कैसे संरक्षित करें, भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से। टेंशन नहीं लेना है, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको वीडियोस के सारे लिंक बस एक एक बार देखते हुए चलेगा। और लास्ट में एक मैराथन का वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो ये जो आपको बता दिया गया है, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, यही आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको खुद से भी अगर पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे, ठीक। अब ये इतने सारे क्वेश्चन देख के आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे हमें इतना ज़्यादा पढ़ना ही, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, बस वीडियो को देखते हुए चलिएगा, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, इसी में से सवाल आपके बनते हैं। जैसे ये तो एक ही वीडियो में ये कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक। शिक्षा दर्शन, ये पहला ही क्वेश्चन होगा आपका, जब आप जाएंगे ना तो सेक्शन B में पहला ही क्वेश्चन आपका ये होगा। चलिए शिक्षा ऑप्शन भी मिलता है, ऑप्शन A और B करके दिया था, तो आप उसमें अथवा रहेगा, ऑप्शन रहेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कंपैरेटिवली सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर का ये वाला पेपर थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें पढ़ने का टॉपिक ज़्यादा है। ऑब्वियस बात है, आपके पास 10 दिन बचे हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक सवाल जरूर पूछेगा, जरूर कहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान, चाहे महात्मा गांधी, अरविंद हो जी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो तीन जो कालीन शिक्षाएं हैं, मुस्लिम कालीन, बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस तरीके से सवाल। टेंशन मत लीजिए, सारे के सारे वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, आप सबका स्क्रीनशॉट बस लेते चलिए, इससे ज़्यादा आपको कहीं आगे से ये पूरा 5-6 साल में जितने भी अब तक सवाल पूछे गए ना, वो सबके सब टॉपिक है। शिक्षा और संस्कृति आधुनिकरण, इस तरीके से भी कभी कभी कुछ सवाल पूछ दिया जाता है। तो चलिए बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आंसर्स के लिए सारे वीडियोस नीचे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लीजिए। मुझे फिर से परेशान होना पड़ेगा, मतलब फिर से बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी, आप देख लीजिए, आपका बड़ा फायदा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रखिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए। जय हिंद, जय भारत।